अगर मुझे कुछ हो जाए ना अमृता, तो मैं आज तुम्हें बताती हूँ, उसके जिम्मेदार वो जरीवाला और जगत्यानी ही होंगे। वैसे हो क्या गया है तुम्हें इंद्रजीत? पागल हो गए हो तुम? सोनाली की ब्लड रिपोर्ट चेंज कर दी तुमने? तुमसे अलग होने से पहले तो मैं तुम्हारी जान नहीं ले लूंगा, मेरी जान। सोनाली, ये है मेरा फ्रेंड मॉन्टी। मॉन्टी, ये है सोनाली, अमृता की बहन। हाय। हाय। तो सोनाली, आप क्या करती हैं? ऑफ कोर्स लजीज खाना बनाने के अलावा। ये बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती है और पार्ट टाइम जॉब भी। ओह, आई सी। कहती तो ऐसा ही है, लेकिन घर से बाहर कम ही जाती है, थोड़ी आलसी है ये। मैं काम करता हूँ सोनाली, तुम्हें अपने कॉलेज ले चलता हूँ। वहाँ कुछ प्रोफेसर हैं जो मुझे पढ़ाया करते थे, हो सकता है तुम्हारा झट से वहाँ पे एडमिशन भी हो जाएगा। वाह सोनाली, अब तो तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं रहा है, मॉन्टी के साथ जाकर अपना एडमिशन करवा लेना। आप मैं वो डिस्टेंस एजुकेशन भी तो कर सकती हूँ। वो तो हम प्रोफेसर से मिलकर डिसाइड कर लेंगे, ओके? मैंने कहा था ना तुम्हें मॉन्टी, ये बहुत आलसी है। घर से बाहर जाने के नाम पर तो इसे बुखार आ जाता है। पता नहीं घर में ऐसा कौन सा खजाना है जिसकी ये देखभाल करना चाहती है। बोलो सोनाली, मॉन्टी के साथ जाओगे एडमिशन करवाने या नहीं? मैं घर से तुम्हें पिक कर लूंगा एंड ड्रॉप भी। ये लो, इससे बढ़िया ऑफर तो कोई मिल ही नहीं सकता है तुम्हें अब। ओके। तो कल सुबह 10 बजे शार्प तैयार हो जाना। 10 बजे? ही मैडम सोकर तोड़ जाएं पहले। अमृता दी, ऐसी बात नहीं है। जब आप दिल्ली गई हुई थी ना, तो मैं रोज सुबह 7 बजे उठकर बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल भेजती थी, उनका लंच बॉक्स भी तैयार करती थी। हाँ, ये बात तो है। चलो अब कल की कल ही देखेंगे, लेकिन तुम आज अलार्म लगा के जरूर सोना। इस वक्त कौन मैसेज कर रहा है? देखता हूँ बाबा, इतने शक से क्यों पूछ रही हो? बीवी हूँ तुम्हारी। किसका मैसेज है? मॉन्टी का है, मुझसे सोनाली का नंबर मांग रहा है। तो दे दो ना। मगर अमृता, रात के 10 बजे वो मुझसे नंबर क्यों मांग रहा है सोनाली का? वैसे ये मॉन्टी लड़का कैसा है? शरीफ तो है ना? हाँ हाँ, अब शरीफ है। हाँ तो फिर दे दो। क्या हुआ? मॉन्टी को सोनाली का नंबर देने में तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? सोनाली के लिए पॉसेसिव हो रहे हो? जलन हो रही है कि इसका नंबर कोई तुमसे मांग रहा है? कैसी बात कर रही हो अमृता? तो फिर दे दो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, पढ़ो ना बुक, पढ़ो।
हेलो। हाय सोनाली, मैं मोंटी बोल रहा हूँ। मोंटी? हाँ बोलो। वो एक्चुअली घर आकर मुझे लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। नहीं, पता पड़ा कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहती हो और हो सकता है तुमने भाभी को भी यूं ही बोल रखा है। एंड ऊपर से मैंने भी जबरदस्ती कर दी। नहीं मोंटी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पढ़ना तो बहुत चाहती थी, मगर कुछ मानसिक तनाव और कुछ अपनी सेहत को लेकर, इसलिए बस थोड़ी ढीली पड़ गई। ओके, इसका मतलब मैंने कोई गलती नहीं की तुमसे ये कहकर कि मैं तुम्हें कॉलेज ले जा सकता हूँ। नहीं, आपने कोई गलती नहीं की। लंच बेहद लजीज था, काश ऐसा लंच रोज मिल पाता, बट हम बैचलर्स की उतनी किस्मत कहाँ। आपको सचमुच इतना अच्छा लगा? अरे मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मन किया मैं तो बनाने वाले के हाथ ही चूम लूं। सॉरी, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मेरा मतलब वो नहीं था। जो भी था, मगर मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं। प्लीज आप आगे से इस तरह की बातें कभी मत कीजिएगा। आई एम सॉरी, कल 10 बजे मैं आता हूँ। ओके, गुड नाइट। अच्छा, मैं स्वीट ड्रीम्स बोल सकता हूँ या वो भी गलत होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको उससे भी अगर परहेज है तो। स्वीट ड्रीम्स तक ठीक है। ओके, स्वीट ड्रीम्स। या सेम टू यू। गुड नाइट। गुड नाइट। फ्लर्ट तो नहीं कर रहा था, स्टुपिड। जानता नहीं है कि मैं किसी और की हूं। हाय भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अंदर आओ। हाँ। हे अपूर्व। चाय पियोगे मोंटी? हम लोग चाय ही पी रहे थे। नहीं नहीं, मैं चाय पी कर आया हूँ भाभी। अच्छा बैठो तो सही। क्यों, सोनाली अभी तक उठी नहीं है क्या? आप मुझे बैठने को कह रहे? अब उठ भी गई हो तो क्या हुआ, तैयार होने में भी तो वक्त लगा सकती है ना। ओ मोंटी, एक बात बता, तू मुझसे कल देर रात सोनाली का नंबर क्यों मांग रहा था? शाम को 10 बजते हैं, तू उसे देर रात थोड़ी कहते हैं। क्या अपूर्व, शादी करते ही मतलब तू तो एकदम बड़े बुजुर्गों की तरह बात करने लग गया। हाँ भाई, तू तो बड़ा यंग और हैप है ना। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा तो फिर ऐसा क्या काम पड़ गया था तुझे सोनाली से शाम के 10 बजे? देखो भाभी, कितना नोजी है ये। अपूर्व, अगर उसने रात को 10 बजे सोनाली से बात कर भी ली तो उसमें क्या गुनाह कर लिया? बेटा, फिर कभी तुझे लंच पे तो इनवाइट नहीं करूंगा। क्यों? अच्छा, तुम्हारी साली से मैंने 10 बजे बात किया इसलिए? आओ सोनाली, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। हाय मोंटी। वाओ, बिल्कुल वक्त पर। ऑफ कोर्स। ओके भाभी, हम चलते हैं। बाय सड़ू भैया। अच्छा सुन, जल्दी ले आना उसे। भाभी आप देख रहे हो, हाँ बिल्कुल हेडमास्टर की तरह ये बिहेव कर रहा। अपूर्व, क्या हो गया तुम्हें? हाँ दोनों बालिग हैं,
और तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे सोनाली कोई छोटी बच्ची हो और मोंटी कोई स्कूल में पढ़ रहा लड़का हो। अरे मैंने बस इतना ही तो कहा कि सोनाली को जल्दी ले आना वापस। कल उसने लंच खिलवाया था तो मैंने सोचा क्यों ना कॉलेज के बाद उसे लंच पे ले जाऊं। बिल्कुल नहीं अपूर्व। हेलो, कोई मुझसे भी पूछेगा या नहीं? हाँ सोनाली तुम बोलो। मेरा मन किया तो जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी आजादी है और उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बाय अमृता दी। बाय अपूर्व। चलो मॉन्टी। क्या हो गया था तुम्हें? सोनाली के दादाजी की तरह बातें क्यों कर रहे थे? अमृता मैं कल रात को यह सोच रहा था कि मैंने तो मोंटी को सिर्फ 4 साल ही जाना है और उसके बाद तो वो अब्रॉड चला गया। तो अमृता मुझे नहीं पता कि वो आज कैसा है। कम ऑन अपूर्व, मुझे तो वो एक नॉर्मल सा यंग सा लड़का लगता है। मगर अमृता अभी तो वो लोग मिले हैं कल ही, पर अचानक वो उसे डेट पर लेकर जाए। किसी को लंच पे लेकर जाना डेट पर लेकर जाना होता है क्या? क्यों सोनाली के लिए इतना पॉजेसिव हो रहे हो? अमृता वो मेरा दोस्त है, कल को मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। बताओ कौन सी जिम्मेदारी अपूर्व, क्या हो गया है तुम्हें? क्या सोनाली उससे शादी का ख्याल बना रही है? अमृता मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी ऐसे सोनाली को अपने साथ बाहर लेके जाए। या फिर ये कहूं कि तुम्हें अब भी सोनाली से प्यार है? क्या तुमने बहुत अच्छे से सुना है मैंने क्या पूछा? अमृता मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ लेकिन मेरे साथ साथ उससे भी प्यार करते हो क्या? प्लीज अमृता मुझे उसका ख्याल भी नहीं हो सकता है क्या? किसी के बारे में ख्याल होना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से तुम पेश आ रहे हो ये ख्याल से बहुत ज्यादा है। Come on, अमृता, मेरे लिए सोनाली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखो अपूर्व, मैं बस इतना जानती हूँ कि सोनाली तुमसे अब भी प्यार करती है। वो अभी बच्ची है, धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, पर तुम्हें उसे मौका भी तो देना चाहिए कि वो घर से बाहर निकले, दूसरे लड़कों से मिले जुले। लेकिन तुम तो उसके सर पर उसके पहरेदार बनकर बैठे हुए हो। तुमने उसे इस घर में बांध के रखा हुआ है, उसे बाहर नहीं जाने देते। देखो अपूर्व, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका लगाव तुमसे बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। या फिर यूं कहो कि तुम भी यही चाहते कि उसका लगाव तुमसे बना रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं है अमृता। एक बात कबूल कर लो अपने दिल कि सोनाली हमेशा हमारे यहां नहीं रहेगी, एक ना एक दिन उसे जाना होगा, अपने पति के पास, अपने ससुराल। वो हमेशा इस तरह हमारे साथ नहीं रह सकती। मैं जानता हूं अमृता, मुझे ना बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें पहली नजर में ही देखते मुझे अट्रैक्शन सा हो गया था तो? अमृता
जस्ट अ मिनट। चलो तुम्हारा एडमिशन फॉर्म वगैरह सब तुमको दिलवा दिया मैंने, एंड तुम फॉर्म भर लो, एंड देन इफ यू वांट हम दोनों साथ में चलेंगे उसे सबमिट करने। नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, सब मैनेज कर लूंगी। कुछ ऑर्डर करे क्या? बताओ क्या खाना चाहो? मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं बस सैंडविच खा लूंगी। अरे वाह, ये क्या बात हुई? हाँ कल मुझे तो पूरा खाना खिलाया तुमने, है कि नहीं? और अब जब मेरी बारी आई खिलाने की, तब तुम बस सैंडविच ऑर्डर कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर। वो क्या है ना, मैं बाहर का खाना ज्यादा खाती नहीं हूँ, और पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इसलिए बस सैंडविच ही खाऊंगी। ठीक है, वेटर, टू वेजिटेबल सैंडविचेस एंड प्लीज क्विकली, थैंक यू। सोनाली, मैंने ये नोटिस किया कि तुम में काफ़ी मूड स्विंग्स हैं, मतलब कभी तुम खुश रहती हो और अचानक उदास सी हो जाती हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है। क्या इस उदासी की वजह प्यार तो नहीं है? नहीं है ऐसी कोई बात नहीं। या हो सकता है किसी प्यार की तलाश? मैंने कहा ना मुझे किसी के प्यार की तलाश नहीं। सोनाली, किसी के प्यार से हताश हुई हो कि अब तुम्हें किसी प्यार की तलाश नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें पहली नजर में ही देखते मुझे अट्रैक्शन सा हो गया था, तो ये बात सुन के तुम्हें खुशी होगी? मैंने आपसे कहा ना मुझे किसी के प्यार की तलाश नहीं है, तो मैं खुश क्यों होंगी? तो एक बात बताओ मुझे, तुम्हारे इस उदासी और रुखेपन की क्या वजह है? कोई वजह नहीं। तुम चाहो तो अपने दिल के राज मुझे बता सकती हो, एंड ट्रस्ट मी वो राज ही रहेंगे। मैंने आपसे कहा ना ऐसा कोई राज ही नहीं है जो मैं आपसे बताऊं, और प्लीज आप मुझसे इतने सवाल मत कीजिए, मुझे सवालों के जवाब देना पसंद नहीं है, वो भी खासकर अजनबियों को। तो मैं अजनबी हूँ? कल ही तो मिले हैं हम, तो मेरे लिए तो आप अजनबी ही हुए ना। कभी कभी बरसों मिलने के बाद भी न जाने क्यों लोग अनजाने से रह जाते हैं, और कभी पल भर की मुलाकात से कभी कोई अपना सा लगने लगता है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। उफ। अरे क्या कमाल की बेरुखी है। आई एम सॉरी, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं इतनी जल्दी किसी से खुलकर बात नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, एक काम करते हैं, चलिए हम आपके खुलने का इंतजार करेंगे। आप अपना वक्त जाया करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपको किसी और से प्यार। ये आपका सोचना है, आपकी सोच में सच्चाई हो ये जरूरी तो नहीं। सॉरी, सैंडविचेस। प्लीज
लंच किया तुमने? हाँ, सैंडविच खा लिया था। वैसे सोनाली, जरूरी नहीं था तुम्हारा उसके साथ रेस्टोरेंट में जाना। अमृता दी कहाँ है? वो ऑफिस गई हुई है। कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज तो बस फॉर्म वगैरह लेकर आ गई। ओके। लंच किया तुमने? हाँ, सैंडविच खा लिया था। वैसे सोनाली, जरूरी नहीं था तुम्हारा उसके साथ रेस्टोरेंट में जाना। मैं जानती हूँ अपूर्व, मगर तुम देख रहे हो ना, वो मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। देखो सोनाली, मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल सच सच बताना चाहता हूँ। वो पिछले 2-4 साल से कहाँ कहाँ रहा है, क्या क्या किया उसने, मैं नहीं जानता, सीरियसली। ठीक है अपूर्व, वैसे भी मैं आज के बाद उसके साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? वो बहुत सवाल करता है। जैसे कि? जैसे कि मैं किसी से प्यार करती हूँ क्या। ले, मार, मार।